लुधियाना के एटीआई रोड पर फेबिया लाइफस्टाइल के शोरूम में लाखों रुपए की नकदी व शोरूम में रखा सामान चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राहुल, रवि, गौरव व अजय कुमार के रूप में हुई है, जिनमें से 3 आरोपी लुधियाना व 1 मंडी गोविंदगढ़ का रहने वाला है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एडीसीपी सुरेंद्र लांबा ने बताया है कि पुलिस ने बीती 21 अगस्त को संजीव कुमार पुत्र कृष्ण चंद द्वारा एक शिकायत मिली थी, जिसमें उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके शोरूम की पिछली दीवार को तोड़कर चोरों ने नकदी व सामान चोरी किया था, जिस संबंधी थाना शिमलापुरी में मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर कार्रवाई करते दोषियों से वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी के अलावा अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। पिछली रात जो फेबिया लाइफस्टाइल के शोरूम में जो चोरी हुई दीवार तोड़कर, तो उसके बाद में विद इन 24 आवर्स हमारी टीम ने SHO शिमलापुरी और ACP आदमनगर में उनकी निगरानी के अंदर जो टीम है उसने विद इन 24 आवर 4 जो दोषी थे उनको अरेस्ट किया है, और साथ में ही जितना सामान इन्होंने लगभग 12 लाख का सामान, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जितना चोरी किया वो सारा का सारा सामान रिकवर किया है। जी, क्या उनकी बैकग्राउंड? 4 लोग हैं जिसमें राहुल, रवि, गौरव और अजय हैं। ये सभी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर है और ये सभी लोग लेबरर का काम करते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें से 3 लोग शिमलापुरी के एरिया के रहने वाले हैं, 1 मंडी गोविंदगढ़ का रहने वाला है। अभी तक हमने, क्योंकि इनको अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो सारा जितनी और बातें हुई है और इनके पूरे क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में हमसे वेरीफाई। लुधियाना से गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन रवि शर्मा के साथ, Fox.Punjabi, your city, your news.